स्वतंत्र भाई, आओ कहाँ हो आप? अबे चांद से है मैं, मुंबई वापस आने में थोड़ा टाइम। आप उधर क्या कर रहे हैं भाई? इधर मामला ठंडा आ रहा है, जल्दी वापस आने का करो भाई। थोड़ा टाइम देने। कितना टाइम था? एक महीना। एक महीना? हम चांद तो इधर सर पर ही है। अब जितना लगेगा उतना लगेगा ना नौ। अभी मैं इधर से मुटेगा तो एक महीना लगेगा तेरे सर पे गिरने के लिए। हाँ तो भाई साहब, कैसे हैं आप लोग? तो आज हम आ चुके हैं एक ब्रांड न्यू वीडियो के साथ, और इसके वीडियो का ट्यूटोरियल पूरी सिंपली मेथड है। आपने वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में जाना है और उधर से लिंक ओपन करना है, तो इधर डायरेक्ट आप आ जाएंगे। इधर से आपने एक्सेल फाइल डाउनलोड करनी है, उसके बाद आपने डाउनलोड करके डाउनलोड वाले सेक्शन में जाना है। जब उधर जाएंगे आप तो उधर तो फिर इधर से शेयर करना है आपने अलाइट मोशन में। इधर अलाइट मोशन का ऑप्शन आपको नहीं आएगा तो आपने एक काम करना है, जो आपके पास पहले अलाइट मोशन होगा उसे डिलीट कर देना है और नया अलाइट मोशन डाउनलोड करना है। वो गूगल से आपने लिखना है मूड एपीके अलाइट मोशन, तो वो आपने डाउनलोड करके तो फिर इसके बाद इधर से तो फिर जब आपने इधर आना है तो शेयर करना है, तो फिर इधर अलाइट मोशन का ऑप्शन आ जाएगा। तो फिर आपने जो एक्सएलएम फाइल होगी वो आपने इम्पोर्ट कर ली है अपने अलाइट मोशन में। उसके बाद जब आपकी फ़ाइल इंपोर्ट हो जाएगी लाइट मोशन में, तो उसके बाद आपने करना ये है कि अपना लाइट मोशन ओपन करना है, और फिर ऊपर आप देख सकते हैं कि लोबी सीसी वाला आ गया है, और इसको ओपन करना है। तो फिर आपने इधर से बैक आ जाना है और एक न्यू प्रोजेक्ट ओपन करना है। ये देख लें, आप देख सकते हैं कि मैंने जो सेटिंग की आपने नीचे ही रखी है, तो ये सेटिंग आप देख लें। ये रेजोल्यूशन और FPS आप देख सकते हैं, ये सब देख के क्रिएट प्रोजेक्ट करना है। और आपने मीडिया पे आके इधर तो अपनी जो वीडियो होगी वो इम्पोर्ट कर लेनी है। इम्पोर्ट करने के बाद फिर आपने इस वीडियो की 5 लेयर जो है कॉपी करनी है, डुप्लीकेट करनी है। तो ये मैं आपके सामने डुप्लीकेट की है 5 लेयर, और इसके बाद आपने बैक आ जाना है। तो जो वीडियो है उस पर क्लिक करना है लोबी सीसी वाली, तो उस पर जो पहले इफेक्ट में उसमें पहली वीडियो है उसमें इफेक्ट नहीं है, दूसरी पे आपने क्लिक करना है, उसके इफेक्ट जो है आपने कॉपी करके तो बैक करना है। बैक करके आपने अपनी वाली जो वीडियो है ना उधर जाके दूसरी जो वीडियो है आपकी उस पर जाके आपने जो इफेक्ट्स हैं वो पेस्ट कर देने हैं, और इसके बाद सब में सेम यही होगा। मतलब कि आपने बैक आना है और फिर इधर से फिर वही वीडियो में जाना है, तो आपने नंबर 3 वाली जो होगी ना वीडियो उसके इफेक्ट कॉपी करने हैं और अपनी वाली नंबर 3 वाली वीडियो में जाके पेस्ट कर देने हैं। ऐसे ही सब मतलब जितनी भी लेयर है ना, फिर पीछे 2 रह गई हैं, वो उनके भी ऐसे ही करने हैं, कॉपी करके तो पेस्ट कर देने हैं। तो फिर आपने क्या करना है वो मैं अभी आपको बताता हूँ। मैंने सारे इफेक्ट कॉपी कर पेस्ट कर लिए हैं, तो इसके बाद आपने जो साइड पर आज दिख रही है ये पहली मतलब 4 को आपने माइनस कर देना है, और जो लास्ट पे चाहिए उसे रहने देना है। तो फिर आपने इजीली इसको इंपोर्ट कर लेना है। ये आपकी वीडियो डन हो गई है। तो आज का ये ट्यूटोरियल था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।